गाइस हम रेडी हो गए, मेरा फाइनल लुक मैं आपको वहाँ पे पहुँच कर दिखाऊंगी। हमारा का रेडी, चलो गाड़ी में रखो ये हमारे की गाड़ी। मैं बहुत जल्दी में मेरे को वहाँ जाके ना टचअप करना पड़ेगा अपना। गाइस सब रेडी हैं और अब हम निकल रहे हैं। मायरा को देखो, मायरा को नींद आ रही है भाई। मायरा जो सोई नहीं है दोपहर को, सोई थी देखो पीछे, मायरा सोना नहीं है तो मैंने इसको कंफर्टेबली सही से बिठवा। इसलिए मायरा के बैलेंस का क्या करूँ, कुछ नहीं हो पाएगा। आपको पहले से गाड़ी देख कर आकर उनको बोल कर रखना चाहिए था कि इस पे लगा कुछ करेंगे थोड़ी देर, वो हमारी गाड़ी का एंट्री हो गई है। मायरा का शूट चल रहा है, मैं जब तक ना जा पाऊँ। नाइस कलर जो है ना बलून्स के बिल्कुल वैसे हैं जैसे मुझे चाहिए थे। एग्जैक्टली यार, अभी आप देखोगे ना फोन में देखो डार्क आ रहे हैं, एक्चुअल में मैं सामने से देख रही हूँ तो बहुत अच्छे भाई भाई पेस्टल है। वाह ये हमने क्या कर दिया, मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता। ओके ओके ठीक है, पिक्चर मैं भैया ने भी बना लिया है वीडियो पूरी। हाँ, मैं उनको बोल दे ऐसे चाहिए था। ओके ठीक है ना। हाँ। यार ये फिश थोड़ी सी मतलब ऐसे नहीं होनी चाहिए, हवा से वो खुल जा रही है, खुल जा रही है थोड़ी सी, इधर को नहीं होगी। हमने की थी वो देखो, दिख रहा है आपको टेप लगी है, एसी चल रहा है ना। ओके 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 नेट का अच्छे से करा आपने। वाओ लग ही नहीं रहा है, ओह माय गॉड समझ नहीं आ रहा मैं शूट कैसे करूं। नाइस आपने पिक्चर्स क्लिक करी। मायरा कहाँ पर है वो ना, अच्छा उधर कर है। ओके वाओ बहुत सुंदर है यहाँ, सुंदर है। अच्छा ये वो गिफ्ट बॉक्स की साइज चेंज करे, जस्ट एवरीथिंग इज सेम, ये वाली है ना, पीपल विल ओके ओके लीव अ विश फॉर मायरा। ओके 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 है ना। यहाँ पे साइजेस किस के चेंज हुए, वो साइज वो सिक्स बॉक्सेस के चेंज करे थे, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। ओके ठीक है। लिटिल मरमेड मायरा सेज थैंक यू, रिटर्न गिफ्ट्स। पर्ल वाला वो आपने कुछ करा था ना, नहीं वो इसमें नहीं कर, खाने में जाएगा इसलिए मैंने फिर पर्ल वाला नहीं किया था। आपका पर्ल्स का सेटअप मैंने वहां पे दिखिया, वो वहां पे आपका वो ट्रंक देख लेना, नहीं बहुत सुंदर भैया। सी लगी आपका डेकोरेशन, आप बार बार पूछ रहे थे कि क्या करवा रहे हो क्या करवा रहे हो, यही था। नंबर ले लो आप, अगर ले लिया अब आप कह रहे हो कि मैम इतनी मैम आप इतने नखरे दिखा रहे थे आपको। रिस्टार्ट। सो या गाइस हम वेन्यू पे पहुंच गए हैं और ये देखो कितना चेंज हो गया, ये वही है जहाँ साइमा का फंक्शन हुआ था और ये वही है जहाँ पे मैंने फर्स्ट बर्थडे मायरा का बुक करा था। आप लोग मायरा की जो थीम है वो होममेड थीम है तो उसके हिसाब से सारी डेकोरेशन है, सारे कलर्स हैं और सारी चीजें और हमेशा खुश रहो और ऐसे ही सबकी सबको फसाती रहो दादी, ऐसे ही और
दादू की तरफ से है, आपको पता है मायरा के दादू नहीं है तो वो होते तो शायद यही बोलते जो बुआ बोल रही है दादू की तरफ से कि दादू ब्लेसिंग्स विल ऑलवेज बी विद यू, दादू ब्लेसिंग्स विल ऑलवेज बी विद यू। आओ अब मैं दिखाती हूँ आपको चाचू चाची की ब्लेसिंग्स, मायरा की चाचू चाची और अब इनकी ब्लेसिंग सुनते हैं मायरा के लिए वो क्या कहते हैं। चाचू चाची नानू की तरफ से बोल रहे हैं और अपनी तरफ से भी सभी टेबल्स कम थी तो हमें मैसेजेस को कंबाइन करना पड़ा थोड़े कम टेबल के वजह से। तो ये है कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला, वी आर ब्लेस्ड विद द मोस्ट प्रीशियस डॉल नानू। बोलो आप बोलो कि ब्लेसिंग में जब से दिल्ली आऊंगा सर। डैडी विल ऑलवेज बी विद यू एवरी टाइम व्हाटएवर यू यू डू मेक्स मी प्राउड, आई विल ऑलवेज बी बाय योर साइड ऑलवेज डैडी। वाह एक मिनट इधर वाले। अब है चाची की ब्लेसिंग, मैं पिक्चर दिखा दूंगी आपको। ये मायरा का जो फर्स्ट बर्थडे हमने प्री बर्थडे शूट करवाया था उसकी पिक्चर है जो कि बर्थडे हो नहीं पाया था, आप लोगों को पता होगा हमारे कोरोना भाई साहब की वजह से। तो चाची कहती है बड़े होकर भी ऐसे ही सबको प्यार करो और इज्जत देना, नानी लव्स यू नानी, चाची और नानी दोनों की तरफ से यही। अब है मम्मा की ब्लेसिंग, मम्मी को जितनी भी ब्लेसिंग से कमी है। ये है मम्मा के साथ मायरा की, मेरे साथ बहुत सारी पिक्चर थी मायरा की बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी चूज करूँ, बहुत मुश्किल आई तो है। अब मैं कहती हूँ फॉर द वर्ल्ड यू आर अ गर्ल बट फॉर मी यू आर माई वर्ल्ड, यू स्माइल मेक्स मी फॉरगेट ऑल माई वरीज मॉम, मॉम में मेरी तरफ माई वरीज मॉम। तो बहुत ही सुंदर है आप देखो, बाकी मैं आपको केक कटिंग टेबल दिखा देती हूँ। ये हमारा केक कटिंग टेबल, पीछे बैकग्राउंड पिक्चर्स क्लिक कराने के लिए केक कटिंग टेबल को साइड में रखा है, सेंटर में आता फिर वो छुप जाता हूँ और फिर सब चढ़ के जब फोटोज खिंचवाते हैं ना तो तो गिराते हैं। और साथ ही हमारे रिटर्न गिफ्ट, और यार शायद मैंने आप लोगों को वो गिफ्ट तो दिखाई नहीं तो मैंने मारे को देखो इन्हें मैं घर जाकर दिखाऊंगी। और ये है दीपू ने जो मारे को गिफ्ट करी है बैटरी कार, कौन सी है मैं खुला दी हूँ मोजरी, पूरा नाम क्या है जी एल ए पता नहीं क्या है जो भी है आपने पहले सुनी लिया होगा में कौन सी है। तो ये क्या हो गया भाई ठीक है बोलो। इसमें हमने ली है कुकीज चॉकलेट जार, कुकीज जार एंड एक लोफ केक बटर स्कॉच। सारे रिटर्न गिफ्ट्स रखे हैं यहाँ पे, मैं रखती हूँ चॉकलेट जार के अभी हो उनको। और ये है हमारा किस चीज के लिए परेशान हूँ, ये है लीवा विश फॉर मायरा, यहाँ पे आप देखोगे तो कार्ड्स हैं पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। मतलब वो करा था एक में मैंने मेरे कपड़ों के साथ रस्सी से टांग दिया था, नाइन्थ में मैंने एक स्लो फ्लेक्स वाला करा था वो पिक्चर में नहीं आ रहा है, मैंने फ्लेक्स की लाइक मतलब वो स्लो वाला करा था, फिर टेंथ में कुछ नहीं करा था समझ ही नहीं आ रहा था, इलेवेंथ में ये करा था स्ट्रॉबेरी से लिखा था इलेवेंथ और ट्वेल्थ में तुम्हारा कपड़ों की और देखो मेरा कपड़े ये देखो आगे नीचे जाए। हाय गाइस, बाबिश पीछे जाना पड़ेगा दोबारा। कहाँ गए? ये साथ में कॉफी करो। क्या बनाते हो? बड़े कलियों में फाड़ी करो। बड़े कलियों में मेकअप करते हैं। मेकअप क्या? बेडू। ये देख लो। तमिलनाडु
Wait, start. ये क्या है यार? ये क्या है?
रास्ते में बस पहुंचने वाले हैं, तो मैंने कहा सबके साथ एंट्री हो जाएगी मायरा की, तो अच्छा लगेगा, तो इसलिए हम ऊपर आ गए। ऊपर हम ज़्यादा रुक नहीं सकते, ऊपर इतनी गर्मी है ना, नीचे तो एसी है, ठंडा लग रहा है, बट ऊपर बहुत गर्मी है। उसको देख लो, मेरे पापा और मम्मा, कुछ नहीं है आपकी, एक बार इस तरफ देखो, आप सब इस तरफ नहीं, पास पास जाइए, चलो यार, ओके, ये तो बड़ी बात है।